तरुण उदयपुर राजस्थान से पूछते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं पूछता हूं, जीवन क्या है? यदि आप जानते जीवन क्या है तो शायद ये सवाल ही ना करते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। समाज ने, हमारे परिवार ने न जाने कितनी समस्याओं में हमको उलझा दिया, कितनी अपेक्षाएं हम पर लाद दी। उन अपेक्षाओं में दबे हुए हम त्रस्त होकर उससे बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे कोई आदमी दलदल में दबा है, बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। वो जानना चाहता है बाहर निकलने का उपाय। वैसे ही हम जानना चाहते हैं इस जीवन में हमारा क्या लक्ष्य है, क्योंकि हम उस दलदल में अटके हैं। वास्तव में ये जो दलदल है, ये हमारा बनाया हुआ है। ये जो दलदल रूपी जीवन है, इसे हमने बनाया है। जीवन ऐसा नहीं है, सिर्फ जन्म ले लेना ही जीवन नहीं है। अपने आप को जान जाना, गहराई से एक समझ का पैदा होना, अपने संपूर्ण विकास को क्रियान्वित करना जीवन है। जैसे एक बगीचा है, बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, चंपा का फूल है। कली बनती है, कली से फूल बनता है, फूल धीरे धीरे करके विकसित होता है, सुगंध फैलाता है। गुलाब का फूल गुलाब की सुगंध फैलाता है, चंपा का फूल चंपा की फैलाता है, चमेली का फूल चमेली की सुगंध फैलाता है। अब यदि चमेली का फूल चाहे अपना लक्ष्य बना ले गुलाब का फूल होना, और चाहे कि वो गुलाब सी सुगंध फैलाए, तो शायद वो अपनी जो चमेली की खूबसूरती है वो भी खो देगा। गुलाब तो वो कभी बन नहीं सकता, पर शायद चमेली का फूल भी ना बन सकेगा। चमेली की फूल की एक संभावना थी कि वो चमेली की बहुत खूबसूरत, बहुत मंद मंद जो खुशबू है उसको फैलाए, लेकिन उसके ऊपर अपेक्षा आ गई। अपने आप से एक अपेक्षा क्रिएट करी, गुलाब सा हो जाना। हमारे समाज में भी जो आपकी संभावना है उसके परे आपसे कुछ होने के लिए कह दिया जाता है। आप सभी को एक तीर बना दिया गया है, लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो वो बनो, ऐसा बनो वैसा बनो, पर आप वास्तव में जो हैं, जो हो सकते हैं, उसका किसी से सरोकार नहीं। तीर की तरह आप चलते हैं, अपने माँ बाप के कहे अनुसार, अपनी पत्नी के कहे अनुसार, अपने बच्चों के कहे अनुसार, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के अनुसार। यदि लक्ष्य पर लगते हैं तो सभी प्रसन्न है, लेकिन कितने दिनों तक, कितनी देर तक? आप तीर थोड़े ही हैं जो एक जगह लगकर बस अंत हो गया। फिर सवाल उठता है, क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का लक्ष्य था? आप तो तीर चलाने वाले हैं, कहां तीर बने बैठे हैं? क्यों लक्ष्य में उलझ रहे हैं? जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन यहां प्रतिपल है, हर क्षण है,
और आप इसे उस लक्ष्य की ललक में रोज खो देते हैं। तभी तो मैंने कई लोगों को सुना है, बोलते हैं आज भी बचपन याद आता है, कितना खूबसूरत था बचपन। क्यों? यदि आपने विकास किया है तो आज जब आप बचपन को पार कर चुके हैं, आपने कुछ सीखा है, तो आज आपका जीवन और खूबसूरत होना चाहिए था। लेकिन आप बचपन को याद करते हैं, यानी कुछ है जो आपने उस बचपन के बाद गलत किया है, अपने जीवन को कहीं खो दिया है, तभी तो वापस मुड़ जाना चाहते हैं। यदि सही दिशा में जा रहे हैं तो आज तो प्रसन्न होना था कि वो पड़ाव तो हमने पार कर लिया, अगले पड़ाव पर है। लेकिन हम वापस पीछे मुड़ जाना चाहते हैं क्योंकि वहां के बाद से ही कुछ गलती हुई। बचपन में तो शायद हम अपने आप से ना तो इस तरह की कोई अपेक्षाएं रखते थे, ना किसी प्रकार के कोई लक्ष्यों को हमारे आगे रखते थे। बस एक जीवन था जिसे उत्साह के साथ जिए चले जा रहे थे। लेकिन ताजुब होता है मुझे, आज बचपन भी छिन गया है। छोटे छोटे बच्चे लक्ष्य की बात करते हैं, वो कैसे भी करके बस समय को धक्का दे देना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने में, वास्तविक लक्ष्य को आप खो रहे हैं, ये एक भ्रम है। जो भी लक्ष्य आप बनाएंगे, वस्तुतः वो जीवन से आपको दूर ले जाएगा। और जीवन से जितना आप दूर जाएंगे, फिर सवाल उठेगा जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन के जितने आप नजदीक हैं, उतना ही सवाल ये जो आपने पूछा है कोई अर्थ का नहीं। जीवन ही सब कुछ है, जीवन ही प्रेम है, जीवन ही आनंद है, जीवन ही परमात्मा है। ये लक्ष्य जो हमारे समाज ने बनाया है, जो हमारे माता पिता ने बनाया है, जो इस सोसाइटी के द्वारा क्रिएटेड है, ये वास्तविक नहीं। इस भ्रम को त्यागो, अपने जीवन को समझो। इस जीवन को समझना ही, अपने चैतन्य रूप में आना ही वास्तविक जीवन है। और यही जीवन का लक्ष्य है, कोई और नहीं।